तालिबान शुक्रिया अदा किया है तालिबान ने थैंक यू कहा है इंडिया को इसके बाद तालिबान ने खुलकर भारत को धन्यवाद बोला और दुनिया को बता दिया कि अफगानिस्तान का कोई भाई है तो वो है भारत और किस पर कहा है कि इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर बहुत फलाही काम किए गए अफगानिस्तान जो है वो आ, पाकिस्तान छोड़ के कराची पोर्ट छोड़ के पोर्ट कासम छोड़ के वो चाबहार पोर्ट पे जाएगा सो इंडिया तो कामयाब हो गया कि इंडिया ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान से पीछे हटा लिया चैरिटी के बहुत काम किए गए पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत काम किए गए और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है? है कि अफगान तालिबान जाहिर है कि अब अपने आप को कुछ और ही समझते हैं और उनका जो माइंड सेट है वो टोटली डिफरेंट है और वैसे भी जो अफगान तालिबान जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है इसके ऊपर सोचिएगा जब सोचेंगे तो आपको जवाब तो आपको जवाब मिल जाएगा कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान पाकिस्तान के इतने खिलाफ क्यों है इंडिया के पास ऐसी क्या गिद्दर सिंह की है सिंह कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी, आ, मैजिक आपके पास पास कोई 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 ऐसी पावर हो, कोई ऐसी ऐसी मैजिक हो पावर ताकत हो या कोई ऐसा गुर हो कि आप सबके साथ अपने रिलेशन अच्छे बना लें नमस्ते दोस्तों जय हिंद हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों तालिबान ने भारत की एक बार फिर जमकर तारीफ की है तालिबान ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से लेकर अन्य मानवीय सहायता के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देते हुए तालिबान के स्थित राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सोहेल शाहीन ने एक नए सिरे से सहयोग का आह्वान किया है राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सोहेल शाहीन ने भारत से अफगानिस्तान में अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने और हेल्थ सेक्टर में मदद की मांग की है इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर और ज्यादा काम किया जाएगा उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में वैसे हालात नहीं है जैसे दिखाए जा रहे हैं एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा भारत काफी समय से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की मदद कर रहा है आज भी हजारों अफगानी लोग भारत में बिजनेस कर रहे हैं अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि तालिबान ने खुलकर भारत का शुक्रिया अदा किया है लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ संबंध बिगड़ते ही चले जा रहे हैं इंडिया के पास ऐसी क्या गिदर सिंह है गिद्धर सिंह कहते हैं की आपके पास कोई ऐसी मैजिक वैंड हो आपके पास कोई ऐसी पावर हो कोई ऐसी ताकत हो या कोई ऐसा गुर हो कि आप सबके साथ अपने रिलेशन अच्छे बना लें और ये जो गिदर सिंह है मेरे नजदीक इंडिया के पास जो उनकी फॉरेन पॉलिसी और जो उनके फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं और जैसे वहां पर स्ट्रेटजीज बनती हैं और पॉलिसीज तरतीब दी जाती हैं ये है उनका मैजिक वैंड उनका वो माइंडसेट उनका आगे बढ़ने का माइंडसेट और पूरी दुनिया के साथ तालुकात बेहतर रखने का माइंडसेट जो है ये वो मैजिक बैंड है जिससे वो आगे बढ़े अब हुआ ही है जिसमें तालिबान हुकूमत ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है तालिबान ने थैंक यू कहा है इंडिया को इंडियन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और किस पर कहा है कि इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर बहुत फलाही काम किए गए चैरिटी के बहुत काम किए गए पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत काम किए गए और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है थैंक यू बोला है तो तालिबान थैंक यू बोल रहे हैं इंडिया को और कह रहे हैं साथ ही रिक्वेस्ट भी की है अफगान तालिबान की तरफ से थैंक यू बोलने के बाद इंडिया से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप आए और यहाँ पर और भी काम करें हमें आपकी जरूरत है हॉस्पिटल बनाए अफगानिस्तान में आप सड़कें बनाइए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और आप आकर हमारे लिए और भी काम करें जैसे कि आपने पहले किए तो पाकिस्तान कहाँ है देखिए वो बरदर ममालिक वो इस्लामिक बरदर ममालिक वो मुस्लिम जो कहा जाता था कभी के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो बरदराना ताल्लुक है वो तो वो पता नहीं कहां निकल गए वो तो आप छोड़ ही दीजिए हवा हो गए वो ताल्लुका अगर आप पिछले कुछ साल उठाकर देख लें तो जितने खराब ताल्लुक अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ पहुंचे हैं तो उससे ज्यादा तो किसी के साथ नहीं हुआ बल्कि ईरान के साथ भी लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो हर दूसरे महीने जंग तक हालात पहुंचे होते हैं पोर्ट जो है, वो ऑल्टरनेट है आपको याद होगा थोड़ा सा पहले हमने ये बात की थी कि अफगानिस्तान जो है वो आ, पाकिस्तान छोड़ के कराची पोर्ट छोड़ के पोर्ट कासम छोड़ के वह चाबहार पोर्ट पर जाएगा सो इंडिया तो कामयाब हो गया कि इंडिया ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान से पीछे हटा लिया भले चाइना को फायदा हो चाइना और अफगानिस्तान ने कारोबार करना है लेकिन इंडिया को ये सूट करता है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से पीछे हट जाए ठीक है जी

कि आप एक तरफ ये देखते हैं कि जो आ, पाकिस्तान जो है उसको आ, एक एक मसला रहता है एक कॉन्टीन्यूस मसला रहता है ठीक है जी और मसला ये है कि भाई आ, कहीं ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही खत्ते से रेलिवेंट हो जाए और हम उसमें जारी बात है जो है वो इ हो रहे हैं कि अफ़गान तालिबान हमें छोड़ के जा रहे हैं और वो छोड़ गए हैं ठीक है So, मुझे ऐसे लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो अफगानिस्तान के ट्रेडर्स हैं दे बिलीव चाबहार पोर्ट इज़ मोर रेलिवेंट चाबहार पोर्ट जो है वो ज़्यादा रेलीवेंट है और इसमें जो चीज़ नज़र आती है कि जो कई लोग समझते थे कि कई लोग बंदर अब्बास पोर्ट को इस्तेमाल करते थे फॉर एक्सपोर्टिंग जो है वो Uh, uh, अपनी बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, सो so क्वेश्चन ये है कि इंडिया चाइना टर्की ये सारे ममालिक सीरियस ममालिक और शायद वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो uh, शायद इज अनएबल टू डू वट इट वांट्स टू डू ठीक है जो जो चाबहार पोर्ट की जो मेरेटाइम सिग्निफिकेंस है वो ज्यादा है इंडिया ये मेक श्योर किया है कि चाइना इंडिया अफगानिस्तान टर्की ये सारे आपस में कारोबार करें और चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल किया जा सके पाकिस्तान ने अपने कस्टम टैरफ क्योंकि अफ़गानिस्तान के लिए बढ़ा दी हैं आ, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और बहुत सारी और चीज़ें रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी हैं तो वो उठ के वहाँ से निकल के सो हमने क्या अपने पाओं पर खुद कलाड़ी मार ली है क्या हमने अपने पाँव पे खुद कलाड़ी मार ली है ये ये सवाल है मुझे नहीं इन चीज़ों की समझ हमने कलाड़ी मारी है या नहीं मारी मुझे नहीं इस चीज़ का पता मुझे सिर्फ इतना पता है कि अफगान तालिबान तो उन्होंने ये समझा और इंडिया ने उनकी ये हेल्प की है उन्होंने कहा पायन छटो भरा अब मैं अगले दिन देख रहा था बड़ा मुझे अजीब एक स्टेटमेंट लगी